गुड मॉर्निंग बच्चों, आर सी आई एजुकेशन अब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह, विराम का अर्थ आप देखो एक बार, विराम का अर्थ क्या होता है? आरा विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द के अनुसार जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ठहराव या रुकना, ठहराव या रुकना। इस जैसे विराम, विराम का अर्थ भी क्या होता है? आराम, रुकना, थोड़ा बहुत आराम करना या रुकना। किसी भी भाषा इसकी परिभाषा देखो, किसी भी भाषा को पढ़ते लिखते या बोलते समय हमें थोड़ा बीच में या किसी कथन को समझाने के लिए हमें बीच में या अंत में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। जो ये रुकावट होता है उनके संकेत, इनको दर्शाने के लिए जिन संकेतों का उपयोग किया जाता है या जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो विराम का वैसे अर्थ हम देखें तो विराम का अर्थ ही क्या होता है? रुकना होता है, आराम होता है। तो इसकी परिभाषा देखें, इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा को बोलते पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है। और इसी रुकावट को संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखो हम ये विराम चिन्ह देखते हैं कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, कौन कौन से होते हैं विराम चिन्ह। देखो विराम चिन्हों के नाम और इनके चिन्ह। और इधर होंगे चिन्ह। पहला होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है और ये हर जो भी शब्द होता है यानी कि जो भी वाक्य होता है उसके अंत में लगता है। सिर्फ प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको छोड़कर हर प्रकार के वाक्य के अंत में क्या लगता है? पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। इसके बाद में अर्ध विराम।
वाक्य के अंत में लगता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन जो अर्धविराम है उसमें वाक्य के बीच में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, यानी कि जो अर्ध पूर्ण विराम होता है उससे कम समय के लिए रुकना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसा होता है। तीसरा अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, ये हम उदाहरण के बीच में भी देते हैं, जो दो व्यक्तियों के नाम होते हैं उनके बीच में भी देते हैं, जैसे राम मोहन सोहन, उनके बीच में जिसे हम कोमा बोलते हैं वो कौन सा चिन्ह होता है, अल्प विराम चिन्ह होता है। इसमें अर्ध विराम, जो अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना होता है, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। चौथा है प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक तो आपको पता ही है, प्रश्न जहाँ पूछा जाता है उसके अंत में जिसका प्रयोग किया, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक का अर्थ जैसे कि वे अक्षमात विस्मय, अचानक हमें जिसे सुनकर अचंभा हो वो क्या होता है, विस्मय सूचक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, योजक चिन्ह। ऐसे जैसे माता पिता, उन दोनों के बीच में इस शब्द का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग होता है, ये कौन सा हो गया, योजक चिन्ह, यानी कि दो शब्दों के बीच में उनको जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, ये भी ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा बड़ा, जैसे किसी निर्देश करते हैं या किसी की ओर संकेत करते हैं वो क्या होता है, निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होता है किसी भी ऐसी कोई वाक्य होता है जो मेन होता है उसको इस चिन्ह के बीच में क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि जो मेन जो वाक्य है वो क्या है, उद्धरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह हम कोई भी हमारा टॉपिक है उसका विवरण करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा परिभाषा, परिभाषा की हमने व्याख्या की, इसका विवरण किया, तो हमने कौन सा चिन्ह लगाया, ये चिन्ह लगाया, तो ये कौन सा होता है, विवरण चिन्ह। कि कोई भी शब्द होता है उसका विवरण करना, उसका विवेचन करना, उसकी परिभाषा बताना या उसके बारे में हमें पूरा खोल कर बताना, उसकी व्याख्या बताना, उसके लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह, की इसका विवरण करना। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह यानी कि किसी शब्द हमने लिख दिया और उसको उसके दूसरे अर्थ को हमने जिस चिन्ह के अंदर ऐसे कोष्ठक ब्रैकेट बना लेते हैं वो क्या होता है, कोष्ठक चिन्ह। त्रुटिपूर्ण चिन्ह या हंसपद, जैसे हम कोई शब्द यानी कोई वाक्य लिख रहे हैं या फिर कोई परिभाषा लिख रहे हैं, हमने लिख दी पूरी परिभाषा और उसके बीच में अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई शब्द हम
से छूट गया, ये समझ लो कि हमने कोई परिभाषा ली थी और उसके बीच में हमसे कोई शब्द छूट गया, तो हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हंसपद या त्रुटि पूर्वचिन्ह भी कहते हैं। हम ऐसे उस पर निशान लगा के जहाँ पर जो शब्द छूटा है उसके ऊपर ऐसे निशान लगा कर और वो शब्द ऊपर लिख देते हैं, तो वो कौन सा चिन्ह होता है? त्रुटि पूर्वक चिन्ह, और ये हमेशा ऊपर की ओर ही लगता है, नीचे की ओर नहीं लगता। संक्षेप सूचक चिन्ह, हमारे जो हिंदी है उसमें विराम चिन्ह के रूप में कितने चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? 12 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारे इस प्रकार है। विराम चिन्ह या पूर्ण विराम, विराम चिन्ह सबसे पहला है पूर्ण विराम, यहाँ पर पूरी तरह से रुकना होता है। अर्ध विराम या पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकता है, अल्प विराम अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुका जाता है। प्रश्न सूचक जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, विस्मय सूचक, विस्मय सूचक यानी कि अकस्मात अगर हमें कोई बोलता है तो योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है, निर्देशक चिन्ह किसी की ओर संकेत करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और निर्देशक चिन्ह उद्धरण चिन्ह किसी भी जो स्पेशल चीज होती है उसको ब्रैकेट के अंदर इन दो चिन्हों के बीच में हम उसको क्या कर देते हैं, किसी भी कविता का हम विवेचन कर रहे हैं तो उस कविता का नाम या कवि का नाम हम ऐसे जो चिन्ह होता है उसके बीच में लिखते हैं। विवरण चिन्ह किसी भी चीज की व्याख्या या विवरण किया जाता है तो उससे पहले वो चिन्ह लगाकर उसका विवरण किया जाता है, ये विवरण चिन्ह होता है। कोष्ठक चिन्ह जो जो दो सेम शब्द होते हैं उन दो सेम शब्दों में अगर हमें समझाने के लिए उसका अर्थ ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोष्ठक चिन्ह। त्रुटि पूर्वक या हंसपद, ये मैंने आपको समझा दिया, अगर हम कोई व्याख्या कर रहे हैं तो उसके बीच में अगर हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो वो शब्द अगर छूट जाता है तो हम उसको ऊपर की तरफ ये चिन्ह लगाकर उसको लिख सकते हैं, इसे हंसपद या त्रुटि पूर्वक चिन्ह भी कहते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इनके जो विवरण है या इनकी जो व्याख्या है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।